मैं संदीप कुमार आपके सामने आज एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है माउस ट्रैकबॉल जॉयस्टिक। इन तीनों के कॉन्सेप्ट को बारे में हम लोग इस लेक्चर्स में जानेंगे। सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सारे के सारे माउस हो गया, ट्रैकबॉल हो गया या जॉयस्टिक ही क्यों ना हो गया हो, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइसेस मतलब जो डेटा इंफॉर्मेशन हर चीज़ों को कंप्यूटर में ले जाने का कार्य करता हो उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। हम लोगों ने कीबोर्ड्स के बारे में पढ़ा, उसके वर्किंग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग को नेक्स्ट अगर क्वेश्चन इस तरह से भी अराइज कर सकता ऑब्जेक्टिव में कि अगर मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस अगर पूछा जाए, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस तो ये हम लोग इसका आंसर देते हैं कीबोर्ड। अगर गलती से ये मोस्ट कॉमन सेकंड मोस्ट कॉमन अगर पूछ दिया जाए, सेकंड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस अगर बोला जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माउस। सेकंड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस हमेशा क्या बोलेंगे, माउस। ये बात अच्छे से याद कर लीजिए। या समटाइम ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर, जिसमें पेयर के फॉर्मेट में देगा, मतलब क्या देगा, ऑप्शन इस तरह देगा कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड माउस एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रहेगा कीबोर्ड प्रिंट, कीबोर्ड स्कैनर, उसी तरह से स्कैनर माउस, इस तरह से करके देंगे। तो उस केस में हम लोग को जो टिक करना है वो आंसर होगा हमारा कीबोर्ड और माउस। चलिए हम लोग इन सभी चीज़ों पर समय नहीं गवाते हुए आगे मूव करते हैं। हाँ, और एक और बात है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा। अन्यथा अगर जिनका रिप्लाई कमेंट में ना मिला वो नेक्स्ट क्लास में आपको उसका प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउस को लेकर के। माउस भी किस तरह का डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहला पॉइंट ये क्या हो गया कि माउस किस तरह की डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। अब इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पॉइंट एंड ड्रॉ। पहले ये वर्ड को समझना पड़ेगा, पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी इसे कहते हैं। क्यों इसे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस बोलते हैं, इस बात को अच्छे से समझिए। देखते होंगे आप, हम लोग कंप्यूटर में एक जगह से पकड़ के और खींच देते हैं, तीन चार को सेलेक्ट हो जाता है उसके दायरे में जो भी आए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ। मतलब एक जगह से क्लिक करके हम लोग लंबी दूरी तक कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना, कुछ काम कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस बोलते हैं। तो माउस ही वो काम करने में यूजफुल होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के भी नाम से जानते हैं, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तीसरा हम लोग बोलते हैं हैंडल डिवाइस। हैंडल डिवाइस क्यों बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे आसानी से हाथों में, माउस को आप लोगों ने देखा होगा फिगर कुछ इस प्रकार से होता है, ये है हमारा फिगर माउस का। तो ये माउस का जो फिगर है जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं लेफ्ट बटन, इसको बोलते हैं राइट बटन, इसे बोलते हैं सेंटर या स्क्रॉल, SCROL स्क्रॉल या सेंटर बटन के नाम से जानते हैं, स्क्रॉल या सेंटर बटन के नाम से जानते हैं। अभी हमने बात कर रहे थे हैंडल की बात, हैंडल क्यों कहा, क्योंकि जब हम लोग आसानी से इसको इस तरह से पकड़ते हैं तो हमारे ये हाथों में आसानी से पाम, इसको बोलते हैं पाम में आसानी से फिट हो जाता है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं हैंडल डिवाइस। हाथों से आसानी से हैंडल कर पाना संभव होता है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं माउस को हैंडल डिवाइस भी बोलते हैं। अब ये एक और चीज आती है, ये GUI बेस्ड है। GUI मतलब क्या होता है, चलिए इसे समझने से पहले दो और एक और टर्म है उसे समझना होगा, यहीं पे समझ लेते हैं, इसके बाद करते हैं। CUI वर्सेस GUI, CUI वर्सेस GUI कहने का मतलब क्या, अब देखिए यहां पर नाम को क्लेरिफाई करें, सी मतलब यहां पर होता कमांड, कमांड या फिर कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों अभी हम देखेंगे,
कमांड या करेक्टर, यू आई का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस। ये यूजर इंटरफेस होता क्या है, मतलब यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, कॉम्युनिकेट करना। इंटरफेस का मतलब कॉम्युनिकेट करना, कॉम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है वो यूजर किसके माध्यम से, अगर आप कुछ टाइप करते हैं और इंटर बटन दबाते हैं और तब कंप्यूटर कुछ काम करता है, तो इस तरह से कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो किस पर आधारित है, सी यू आई पर आधारित है। इसका कोई एक एग्जाम्पल जानते हो क्या आप लोग? हाँ, एक एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, जिस जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे एमएस डॉस के बारे में, एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में जो भी जानते होंगे, या फिर कंप्यूटर में जब एमएस डॉस डॉस को ओपन करते हैं तो काला रंग में ओपन होता है, जिसमें हम लोग फोल्डर क्रिएट करना चाहे किसी भी प्रकार का काम करना होता है तो हम लोगों को उसमें लिखना पड़ता है। जैसे उसमें जो भी लिखा हुआ उसको पूरा इरेज करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं CLS। CLS टाइप करके ऐसे इंटर बटन दबाते हैं, पूरा जितना भी स्क्रीन पर दिख रहा था लिखा हुआ या कोई भी काम किया हुआ, वो सब के सब इरेज हो जाता है। तो मतलब क्या, हम कुछ लिखे, मतलब जो लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड कमांड, कमांड को लिख करके काम करते हैं या उसे उससे हम इंटरफेस मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं कमांड लिख लिख करके, कमांड लिख लिख करके, तो हम लोग बोलेंगे सी यू आई पर आधारित है, कैरेक्टर यूजर या कैरेक्टर या फिर क्या कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित है। लेकिन क्या माउस इस तरह होता है क्या? माउस में हम लोग क्या करते हैं, माउस में हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, या यू कहा जाए। अभी हम लोग जी यू आई को देखें तो जी यू आई में देखते हैं, देखिए कंप्यूटर में इस तरह से फिगर बना रहा था, लिखा रहेगा दिस पीसी, ठीक है, या माई कंप्यूटर लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये जो फोटोज जो बना हुआ है छोटा सा, इसे हम लोग बोलते हैं आइकन्स, इसे क्या बोलते हैं हम लोग आइकन्स। इस छोटे छोटे जितने भी छोटे माय कंप्यूटर रिसाइकलिंग बिन न्यू फोल्डर, जितना भी तरह तरह का छोटा छोटा फोल्डर है उसे हम लोग आइकन्स बोलते हैं, और हम लोग उसी आइकन पे जाके क्लिक करते हैं तो काम होता है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, फोटोज के माध्यम से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में भी छोटे छोटे फोटो बने हुए उंगलियों से क्लिक करते हैं काम होता है। तो कहने का मतलब हम कंप्यूटर में उंगलियों से तो नहीं, लेकिन हाँ स्क्रीन टच होता है उंगलियों से भी, लेकिन माउस से हम लोग क्या करते हैं इस फोटो पे जाके क्लिक करते हैं तो दिस पीसी ओपन हो जाता है, यानी माय कंप्यूटर ओपन हो जाता है। कहने का साफ साफ मतलब है कि ये जो दिस पीसी जो है ओपन हो जाता है इस फोटो पे क्लिक करने से, ना कि कुछ लिखने से। मतलब इसे हम ऑपरेट कर रहे हैं क्या, छोटे छोटे आइकन्स और फोटो से, और फोटोज को हम लोग एक वर्ड से इंडिकेट करते हैं ग्राफिक्स, ग्राफिक्स इंडिकेट करते हैं। तो ग्राफिक्स या इसको फोटोज बोलते हैं कंप्यूटर के टर्म में, तो ग्राफिक्स से हम लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए हम इस जी यू आई का फुल फॉर्म भी अगर देखिएगा तो जी मतलब ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, यू आई का वही यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर इंटरेक्ट करेगा, मतलब उससे कम्युनिकेट करेगा किस तरह से, कोई काम करवाएगा किस तरह से, तो फोटोज यानी आइकन पर क्लिक क्लिक करके। हम कोई भी काम करते हैं, न्यू फोल्डर ही क्यों ना बनाना रहता है, तो हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू का ऑप्शन आता है, कहीं भी खाली जगह पर क्लिक करते हैं तो न्यू का ऑप्शन आता है, वहां पर जाते हैं तो फोल्डर का ऑप्शन आता है, तो हम उस पर क्लिक करके बना लेते हैं। तो ये चीज हम लोग को समझ में आया कि हम फोटोज के माध्यम से ऑपरेट करते हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं जी यू आई। तो बताओ क्या माउस किस तरह के डिवाइस है, हमारा सी यू आई पर आधारित है या जी यू आई पर? तो ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाँ माउस से हम किसी फोटो पर जाकर क्लिक करते हैं तो काम होता है, मतलब माउस जो है वो किस तरह का डिवाइस है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए इन सबों को इरेज करते हैं, सी यू आई का कोई काम नहीं है यहाँ पर, हमें यहाँ पर जाने अभी कि माउस किस तरह किस कैसा डिवाइस है, तो जी यू आई बेस्ड है, जी यू आई बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे पॉइंट्स अभी और कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं कि इसमें कितने बटन्स होते हैं, बटन्स कितने होते हैं, तो जनरली थ्री बटन्स होते हैं। कौन कौन से बटन्स, तीन होते हैं, कौन कौन से, एक लेफ्ट बटन, एक क्या राइट बटन, और एक बीच वाला जो बटन होता है ये लेफ्ट बटन राइट बटन।
इसे हम लोग प्रेस कर सकते हैं, तो लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए बात, लेफ्ट क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, एक हम लोग जो बीच वाला बटन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल। अब ये तीनों का वर्किंग को थोड़ा देखिए क्या होता है। तो देखिए लेफ्ट बटन का काम बेसिकली ओपन करने के लिए होता है, ओपन या फिर सेलेक्ट करने के लिए, ओपन या फिर सेलेक्ट करने के लिए कुछ चीजों को किया जाता है। कोई भी चीज, दिस पीसी को ओपन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक दो बार प्रेस करेंगे अपने आप ओपन हो जाएगा, अगर एक बार प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, डबल क्लिक किया तो ओपन और सिंगल क्लिक किया तो सेलेक्ट। ठीक है, अब राइट क्लिक करते हैं तो क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल ऑपरेशन, ऑल पॉसिबल ऑपरेशन, जितना भी तरह का हम काम कर सकते हैं वो सारे के सारे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो दिखाएगा। जिस जगह पे क्लिक करेंगे, इवन यहां तक कि अगर हम खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो यहां तक कि वहां पर हम देख सकते हैं कि वो खाली जगह पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, वो भी हम लोग देख सकते हैं राइट क्लिक करके। दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे, चलो मानता हूं न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, उस पर देखिएगा आपको ऑप्शन बहुत सारे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन रीनेम का भी होगा और एक प्रॉपर्टीज का भी होगा, ये दो वो मस्ट होगा, ओपन का भी होगा, ये तीन तो जरूर, और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मतलब उस पर जितना भी ऑपरेशन, कट कॉपी पेस्ट रीनेम, बहुत सारे ऑप्शन है, वो सारे के सारे फैसिलिटीज आपको दिखाएंगे राइट क्लिक पर। अब स्क्रॉल या इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर बटन, इसका क्या उपयोग है तो हम इसके बारे में यही जानेंगे कि सेंटर या स्क्रॉल बटन वो चक्की, चक्की के आकार का होता है, चक्का, ये जैसा, ये चक्का जैसा रहता है, चक्का जैसा, हम लोग इसे ऐसे ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करते ऊपर नीचे व्हील चेयर, व्हील के जैसा घूमेगा, और घूमेगा कहने का मतलब क्या, जब हमारा पेज एक से ज्यादा पेज का हमारा हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे देखने के लिए इसी बटन का, इसी स्क्रॉल बटन का उपयोग करेंगे, उसे रोटेट करेंगे तो पेज नीचे होगा, ऊपर की ओर रोटेट करेंगे तो पेज अप होगा, ये सारे काम हम लोग इससे कर सकते हैं, स्क्रॉल या सेंटर बटन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हमारे सिर्फ बारी है क्या क्या वर्किंग है क्या है उसके बारे में जाना, अब थोड़ा सा इसका इंटरनल वर्किंग को लेकर के हम लोग चलते हैं, इंटरनल वर्किंग, इसे हम इरेज करते हैं, आगे देखेंगे और भी चीजें, माउस का वर्किंग को कैसे वर्किंग किया जाए, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, सभी लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग को इसके रिगार्डिंग लिखा हुआ भी चीजें दिखा दी जाएगी। ठीक है, आपको नोट भेज दिया जाएगा, आप उसे नोट कर लेंगे, और जो लोग ये पढ़ चुके हैं टॉपिक्स, कोई बात नहीं बाबू, आपका रिवीजन हो रहा है और आगे धीरे धीरे चलते चलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, वो समय अनुसार होते रहेगा, ये रिवीजन बहुत जरूरी है और ये सारे पॉइंट्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। अभी फिलहाल एक बच्चे ने कॉन्टेक्ट किया था और उनका कोई एग्जाम चल रहा था इंटरनल को लेकर के, तो उनके सारे के सारे क्वेश्चन आपको यूनिट वन से ही मिले, सारे के सारे ए टू जेड क्वेश्चन, यूनिट टू से थोड़ा बहुत सिर्फ जो पढ़ा चुका हूं उसी का कुछ क्वेश्चन मिला, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ क्लासेस रेगुलर कीजिए जब भी क्लास हो। ठीक है, अगर बकाइए नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं माउस, माउस की अगर बात करें तो उसकी शेप को देखिए, इस तरह से शेप अभी वहां बना हुआ था, फिर से एक बार मैं बनाता हूं यहां पर, ये एक शेप हुआ जो ऊपरी तौर पर जो दिखता है, ऊपर से जो दिखता है हम लोगों से वो इस तरह से। अब थोड़ा सा इसका इंटरनल, इसको हम लोग पलट देंगे तो किस तरह से दिखेगा, चलो वही माउस है, नो प्रॉब्लम, बट यहां पर सिर्फ अगर पुराने समय की बात करें, पुराने समय की बात करें तो यहां पर एक बॉल रहता था, कैसा बॉल, एक छोटा सा बॉल रहता था, यूं समझा जाए कंचे खेलते होंगे, कंचा खेलते हो तो उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, इसकी वर्किंग को मैं बता रहा हूं किस तरह से काम करता था, तो ध्यान से देखिए, वो इस तरह से होता था, मान लिया जाए कि ये बॉल है, अब ये सरफेस है, ये हमारा माउस है। ठीक है, तो ये देखिएगा माउस जो था वो इससे थोड़ा सा ऊपर रहा करता था, इस बॉल थोड़ा सा नीचे और इससे, इस जो सरफेस जो नीचे रखा हुआ है, इस सरफेस से थोड़ा सा नीचे की। अब जब हम लोग इस पर रखते थे तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है वो टच होता था किससे, सरफेस से। अब देखिए इसे इस तरह से रखा जाता था, इस तरह से मूवेबल टाइप का था, मूवेबल इस तरह से ढांचा में रखा जाता था, और इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर सेंसर लगा दिया जाता था, क्या लगा दिया जाता था, सेंसर, ये दिख रहा है, ये सेंसर है, यहां पर सेंसर लगा दिया गया।
अब जब ये सेंसर लगा दिया गया तो ये क्या होता था, ये बॉल जब इधर की ओर मूव करे या इधर की ओर मूव करे, यानी ये फ्रीली था, फ्रीली मतलब घूम सकता था हर तरफ से। जब ये मूव करता था, कैसे मूव करता, हम लोग इसको पकड़े इधर उधर मूव किए, तो ये जो नीचे जो टच है ये फ्रीली है तो ये मूव तो करेगा, और जब मूव करेगा तो ये सेंसर क्या करेगा, इसे सेंस करेगा कि वो मूव किधर कर रहा है, जिधर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कर्सर भी, कर्सर किसको बोलते हैं, कंप्यूटर में जो एरो ऐसे दिखता है उसको बोलते हैं हम लोग कर्सर, तो ये कर्सर भी मूव करता था। तो ये तो था हमारा इंटरनल वर्किंग। तो लेकिन एक बात बताइए, ये ज्यादा दिनों तक चला नहीं, ये जो शुरुआत में जो बॉल वाला जो प्रिंसिपल था ना, इसको बोलते थे हम लोग रोलर बॉल मॉस, क्या बोलते थे, रोलर बॉल मॉस, या सम टाइम इसे मैकेनिकल मॉस के भी नाम से, मैकेनिकल मॉस के भी नाम से जानते थे, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रोलर बॉल मॉस ही बोलते थे, इसे मैकेनिकल मॉस भी बोला जाता था, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिका नहीं, रीजन कुछ तो रीजन होगा, हाँ रीजन है, देखिए यहां पर ये जो देख रहे हैं, ये इस साइड से और इस साइड से, ये जो दोनों साइड से क्या होता था, जब हम लोग रोटेट रख करके इधर उधर करते थे तो सरफेस पर डस्ट जो रहता था वो इन रास्तों से ये जो रास्ता दिख रहा है ना, इन रास्तों से अंदर चला जाता था और जा करके सेंसर के पास पहुंच गया। अब जब सेंसर के पास पहुंच गया तो सेंसर पर डस्ट जमने की वजह से वो हमारा प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर पाता था, ये समस्याएं थी, मतलब ये बहुत जल्दी खराब हो जाता था। तब क्या किया जाए, तब क्या किया गया कि वो देखिए फिर से मैं बना रहा हूं फिगर उसी को, ये हमारा बॉल है, ये हमारा ये ढांचा है, थोड़ा सा बड़ा इलाज करके फिगर को बनाया, और यहां पर हमारा लगा हुआ था सेंसर लगा हुआ था। अब ये अच्छे से ये काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि इधर से डस्ट मूव करके यहां पर जम जाते थे, और तो इधर से भी डस्ट मूव करते थे, तो जम जाने के वजह से प्रॉब्लम आने लगा। तो क्या किया जाए, तो इसको शुरुआत में क्या किया गया कि अब इसे थोड़ा सा चेंज किया गया, शेप को, शेप क्या चेंज हुआ वो इस तरह से ले आया गया, चलिए शेप के बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसे क्या किया गया, इस रोलर बॉल को हटा दिया गया, इस रोलर बॉल को रिमूव कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, और रिमूव करके इसके जगह पर लगाया गया लाइट, कैसा लाइट जी, लेजर बीम ऑफ लाइट। कहां लगाया गया, तो देखिए मैं बता रहा हूं, जस्ट यहां पर लगा दिया गया लेजर बीम ऑफ लाइट। अब रही बात कि सर प्रॉब्लम तो अभी भी है कि डस्ट जो जाएगा, ये डस्ट इस जगह जम जाएगा, और जम जाएगा तो उस सरफेस को सेंस नहीं कर पाएगा, और सरफेस को सेंस नहीं कर पाएगा तो काम कैसे करेगा। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि सरफेस को वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के जैसे वो सेंस करता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है, उतना ही जानिए फिलहाल। अभी बात करें कि डस्ट यहां जमने की रही बात, तो यहां पर जब लाइट लगाया गया किसकी जगह पर, रोलर बॉल की जगह पर लाइट लगाया गया, तब इसका नाम रखा गया ऑप्टिकल मॉस के नाम से जाने, तब हम लोग इस मॉस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मॉस बोलते हैं। अब रही बात, ये ऑप्टिकल मॉस तो है, चलिए हम लोग समझ गए कि क्यों ऑप्टिकल मॉस, क्योंकि ऑप्टिकल का मतलब ही होता है लाइट रिलेटेड, जैसे चश्मे की दुकान ऑप्टिकल है ना, देखिएगा ऑप्टिकल लगा हुआ जनरली लगे हुए रहता है, जैसे गया में दुकान है बिहार ऑप्टिकल्स, तो कहने का मतलब वो क्या है, चश्मे की दुकान है, क्यों, क्योंकि वो लाइट रिलेटेड है, आंखों की रोशनी के रिगार्डिंग, इसी वजह से ऑप्टिकल मॉस के नाम से इसे जाना। लेकिन प्रॉब्लम डस्ट का अभी देख रहे थे, तो प्रॉब्लम डस्ट का जो था उसे क्या किया जाए, यहां पर क्या किया गया, एक कवर लगा दिया गया। कवर कैसे लगाया गया, कवर जो लगाया गया वो ट्रांसपेरेंट लगाया गया, कैसे लगाया गया, ट्रांसपेरेंट, ताकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट या यू कहा जाए कि लाइट को नीचे के सरफेस को सेंस करने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन डस्ट तो डस्ट है, वो तो यहां भी जाके चिपक जाएगा, ठीक है चिपक गया कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम लोग निकालेंगे आसानी से, ब्रश से साफ करके धो धा करके सुखा करके फिर लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसे लगाइए धो धा करके, कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे लाइट काफी हाई इंटेंसिटी की होती है, फिर भी डस्ट रहने पर भी अच्छा से काम करता है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ, हाई डस्ट हो गया वहां पर, ज्यादा अमाउंट में डस्ट हो गया, तो उसे निकालेंगे, वो प्लास्टिक का रहता है जनरली, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का निकालेंगे, उसे अच्छे से ब्रश से साफ करेंगे और उसे लगा देंगे, बस इतना ही, जरूरत नहीं है। हाँ
कोई बहुत अच्छे से इसके जानकार है तो उसको कॉलिन से साफ कीजिए, ब्रश से साफ कीजिए और सुखा दीजिए, इसके बाद लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से काम करेगा। ये तो है हमारा माउस के रिगार्डिंग वर्किंग। अगर हम लोग जानना चाहेंगे ट्रैक बॉल के रिगार्डिंग वर्किंग तो भी हम लोग जान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक को भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसे देखे हैं तो उसे भी समझना काफी आसान होगा। देखिए थोड़ा सा इस प्रकार से, अगर बात करें कि रोलर बॉल माउस से डायरेक्ट ऑप्टिकल माउस आ गया था क्या, नहीं। दूसरी बात, रोलर बॉल माउस पुराने जमाने में सबसे पहले या मैकेनिकल माउस यूज किया जाता था जिसमें बॉल रहता था। अब बॉल को हटा करके लेजर लाइट ले आया गया, लेकिन इससे इसमें चेंज होने के दरमियान बहुत सारे और भी इन्वेंशन हुए, जिसमें से एक इन्वेंशन का नाम था ट्रैक बॉल। क्या था, जस्ट समझिए, इस मॉस को जो उल्टा हुआ है, इस मॉस को उलट दिया गया, इस बॉल को बड़ा कर दिया गया। एक मैं फिगर बना रहा हूं, यहां ध्यान से देखिए, इस तरह से फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा हमारा बॉल, बॉल को थोड़ा बड़ा कर दिया गया और देखिए कुछ नहीं, बस वही है हमारा, ये लेफ्ट बटन है, ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, और ये जो बॉल था वो खाली बड़ा कर दिया गया। बड़ा मतलब कैसा, वो टेनिस बॉल कॉस्को बॉल जैसा कर दिया गया। अब थोड़ा सा उससे थोड़ा छोटा ही, अब इसके ऊपर हाथों को रख करके आसानी से तो लोग सोचते थे कि हाथ साफ रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो था, कभी हाथ गंदा तो कभी कुछ एनवायरमेंट में जो डस्ट है वो इसके ऊपर बैठ जाए, और जब हम लोग इधर उधर करें तो ये भी डस्ट ऐसे चला जाए और इसके सेंसर को क्या करे, इधर से जो सेंसर है इसको अफेक्ट करे, प्रभावित करे, तो ये भी ज्यादा दिनों तक चला नहीं। मतलब लेकिन ट्रैक बॉल कहीं देख सकते हो, आज के समय में माउस तो दिख रहा है लेकिन ट्रैक बॉल नहीं देख सकता। ट्रैक बॉल साइंटिस्ट वगैरह लोग यूज करते हैं सैटेलाइट की कोऑर्डिनेशन फिक्स करने में, और जनरली देखने को कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, और गेम जोन में देखने को मिल सकता है। गेम जोन मतलब जहां बच्चों का गेम वेम खेला जाता है उसको हम लोग गेम जोन बोलते हैं, वहां पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसे जनरली इसका कोई उपयोग अब नहीं देखने को मिल रहा। इसका एक और, अब देखिए ये तो चीज समझ में आया, इसके जस्ट बाद यानी माउस के बाद जस्ट कौन सा माउस, रोलर बॉल माउस के बाद जस्ट हमारा इन्वेंट हुआ ट्रैक बॉल। लेकिन ट्रैक बॉल भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि डस्ट का एंट्री रुका नहीं, थोड़ा कम हुआ लेकिन रुका नहीं। अब आते हैं कि अब क्या किया गया, देखिए वही बॉल है, अब उस बॉल के ऊपर क्या किया गया, चलिए इस फिगर को यहां, ये वाले फिगर को, माउस वाले फिगर को इरेज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये ही हमारा बॉल है, अब ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर कुछ नहीं किया गया, यहां सेंसर लगा हुआ है। अब इस बॉल के ऊपर एक स्टिक जोड़ दिया गया, बॉल के ऊपर क्या किया जोड़ दिया गया, एक स्टिक जोड़ दिया गया। अब स्टिक के ऊपर यहां पर बटन्स लगा दिए गए, बटन्स कहीं यहां भी लग जाते हैं और या फिर इधर भी लगाए जा सकते हैं, कहीं भी, इधर भी टॉप ऑफ द और ऑन द स्टिक भी। तो हमने देखा कुछ नहीं कि ये भी उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, बताइए ये भी उसी प्रिंसिपल पे, इसे पकड़ करके देखो गाड़ी और बस वगैरह या फोर व्हीलर उसमें गियर चेंज करने के लिए इसी तरह यूज किया था, लेकिन उसमें फिक्स डायरेक्शन रहता है, इसमें ये ताकि हम लोग जिधर मन उधर कर सकते थे। ये आपको 100% देखने को मिल सकता है कहां पर, गेम जोन में। गेम जोन बड़े बड़े शहरों में होता है, इधर छोटे बड़े शहरों में जनरली नहीं देखने को मिलता। इस स्टिक को पकड़ के हम लोग इधर इधर ऐसे ऐसे, तो यानी ये खेलने में उपयोग किया जाता है, इसी वजह से नाम पड़ा इसका जॉयस्टिक। नाम ही है जॉय, मतलब खेलना, और स्टिक को पकड़ के खेलना है, इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ा, जॉयस्टिक। अब रही बात कि एक क्वेश्चन आया यहां पर अराइज करते हैं मैं कि ये तीनों के तीनों मौसी का प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये तीनों के तीनों को पॉइंटिंग डिवाइस। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ बीबीआई क्वेश्चनों में से एक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये तीनों दिया और ऑल ऑप्शन दिया हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग माउस को नहीं टिक करेंगे, हम लोग सभी को टिक करेंगे क्योंकि सभी के सभी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है।
ये चीज जान लीजिए अच्छे से। और सबों में वो काम करने की क्षमता है जो एक माउस में है, मतलब माउस में भी लेफ्ट राइट बटन होते हैं। चलिए इसे फ्रंट वाला हम बना देते हैं, फ्रंट वाला ये हो गया। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट बटन, राइट बटन और ये सेंटर या स्क्रॉल बटन। ठीक है, स्क्रॉल लिख देता हूं ना, CROSS स्क्रॉल। ठीक है, अब ये तो ये देखिए इसमें भी है लेफ्ट राइट बटन और स्क्रॉल। देखिए ये कौन सा फिगर था जी, ये फिगर का नाम था हमारा ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल। ये भी देखिए लेफ्ट, ये है हमारा लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन और ये रोटेट करने के लिए कर्सर। देखिए जॉयस्टिक, इसमें भी देखिए ये हमारा, इसी को इधर उधर करेंगे तो ये मूव करेगा तो रोटेट करेगा। साथ साथ देखिए बटन्स, टॉप ऑफ द स्टिक होता है, किसी वो अपने अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, टॉप ऑफ द स्टिक या ऑन द स्टिक रखे जाते हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, मतलब जो डेफिनेशन आप माउस के लिए लिखोगे ट्रैक बॉल में भी वही सभी चीजें लिखाएंगी, लेकिन और सिर्फ अंतर होगा उनकी बनावट का, कंस्ट्रक्शन का सिर्फ अंतर है, बनावट का, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसे अलग अलग जगह उपयोग करते हैं, बस यही है और क्या। ठीक है, सो आज का क्लास मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।